أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آمنت بالله صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب कर करम करीम कमलिया ते तेरे करम थिया सानायन तेरे करम बाजू गल बनदी नहीं कोई कर ले लाख पढ़ाया हुण दी दिल अखियां तरसिया नी अरबी सायन नदी मोदो जख सड़दे नहीं ओ जिन्ना नाल हजूर दिलाया तड़ रुतबा ना कोई तोले या रसूल अल्लाह मेरे आगा तड़ रुतबा ना कोई करा तड़े मुँह विचु रब बोले तड़की तारीफ करा ओ तड़े मुँह विचु रब बोले सल्लल्लाहु अलैका या
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أو كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم। मेरे मोहतरम वाजबुल एहतराम ख़वातीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सब पर एहसान है, करम है, फ़जल है कि जिस महीने में हम गुज़र रहे हैं और जो हम रोज़े रख रहे हैं, आका दो जहां हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन सिराजु मुनीर, जिनकी शान में कुरान उतरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा, मैं ही इसका अजर दूंगा। और मैंने आपके सामने अभी कुरान पाक की तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि हमने तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया है जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ, नेक बन जाओ। तो ख़वातीन हज़रात, ये जो माह है ये फ़ज़ीलतों के लिहाज से बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला ने दिनों के लिहाज से जुमे के दिन को सैयदुल अय्याम का रुतबा दिया है, और इस माह मुबारक को अल्लाह ताला ने सैयदुल शहर कहा है, यानी महीनों का सरदार। जैसे पूरे दिनों में जुमा जो है वो सरदार है, ऐसे ही महीनों के लिहाज से रमज़ानुल मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम महीनों का सरदार महीना बनाया है। और इसी तरह इस माह में अल्लाह ताला की रहमत फरमाते हैं कि मूसलाधार बारिश की तरह बरसती है। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदो, इस माह में तुम आम दिनों में नफल पढ़ोगे, तुम्हें नफल का सवाब है, लेकिन मेरे इस माह मुबारक बरकत वाले महीने में तुम नफल पढ़ोगे, तुम्हारे नफल को मैं फ़र्ज़ का दर्जा दे दूँगा, उसकी निस्बत फ़र्ज़ के बराबर हो जाएगी। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़र्ज़ तो फ़र्ज़, फिर जो फ़र्ज़ तुम रमज़ान शरीफ में अदा करोगे, मैं उस फ़र्ज़ को 70 गुना बढ़ा दूँगा, तुम्हारी नेकियों को 70 गुना बढ़ा दूँगा। तुम जो भी अमल करोगे, छोटा सा छोटा अमल करोगे, बड़े से बड़ा अमल करोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं उसे 70 गुना बढ़ा दूँगा। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे, इस महीने में मेरी जो रहमत है वो मूसलाधार बारिश की तरह बरसती है। और रमज़ानुल मुबारक उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और बाकी उम्मतों पर इसमें कुछ फ़र्क है। जो रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला ने रोज़े जो इस उम्मत को नसीब फरमाए हैं, रोज़े भी शानदार इस लाडली उम्मत के लिए, लाडली उम्मत इसलिए कि हमारे महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के लाडले रसूल थे, तो उम्मत भी अल्लाह ताला ने ये लाडली उम्मत बनाई है।
बाकी उम्मतें रोज़ा रखती थी, उनको ये नहीं था कि तुम्हारे मुंह की बू जो है अल्लाह को मुश्क अंबर से ज़्यादा पसंद है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर अपना फ़ज़ल फरमाया, करम फरमाया कि ऐ मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी उम्मत जो रोज़ा रखेगी उसके जो रोज़ादार होंगे उनके मुंह की बू जो मैदा खाली होने की वजह से आती है शाम के वक्त, वो बू लोग तो बू समझेंगे लेकिन अल्लाह फरमाते हैं ऐ मेरे नबी तेरी उम्मती के जब मुंह से बू आती है मुझे मुश्को अंबर से ज़्यादा पसंद है, मुझे वो बू ऐसे लगती है जैसे मुश्को अंबर है। और इसके अलावा जो रोज़ेदार होता है जब वो रोज़ा रखता है सारा दिन, हदीस में आता है जिसका मफहूम है कि दरिया की मछलियाँ समुंदर की मछलियाँ रोज़ेदार के लिए दुआएँ करती हैं और अल्लाह ताला इस माह में शयातीन को बंद कर देते हैं ताकि मेरी मखलूक जो है वो नमाज में मशगूर रहे, जिक्र अजकार में मशगूर रहे, तौबा में मशगूर रहे। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इस माह में जो दुआ मांगेगा अफ्तारी के वक्त जब रोज़ेदार दुआ मांगता है और उसके हाथ जब उठते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं मुझे हया माने आता है कि मैं उसके हाथों को वापस लुटा दूँ, मैं उसको हाथों को उठाए हुए हाथों की लाज रखते हुए उसकी दुआओं को पूरा फरमाता हूँ। और अल्लाह ताला ने जो आखिरी पाँचवीं वजह जो बताई है वो ये है कि पाँचवीं चीज़ अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं रोज़ेदार सहरी अफ्तारी के वक्त जहन्नुम से, हजूर की उम्मत में से मुसलमान जो जहन्नुम में जा चुके होंगे अफ्तारी के वक्त 6 लाख के करीब लोगों को जहन्नुम से निकाल कर अल्लाह जन्नत में भेज रहे हैं। और इसी तरह हर रोज़ के 6 माह को टोटल करो 30 दिन बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब लैलतुल जैज़ा की रात होती है मैं हर रोज़ के टोटल करके 30 दिन में जितने लोग बनते हैं 6 लाख के हिसाब से अल्लाह ताला जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर रहे हैं अफ्तारी के वक्त। अल्लाह ताला हम सबको जो है ये हमारे लिए राह नजात है, राह नजात का जरिया मतलब भी यही है कि हम असबाब नजात पैदा करें। असबाब नजात कैसे पैदा होंगे कि अल्लाह को राज़ी करें। असबाब नजात क्या है? नमाज पढ़ें। असबाब नजात क्या है? रोज़ा रखें। असबाब नजात क्या है? जिक्र करें। असबाब नजात क्या है? कि अल्लाह की मखलूक को राज़ी करें। वा आखु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।